स्मार्टफोन, टीवी और नींद, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। महानगरों में जो सर्वेक्षण किया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्मार्टफोन और टीवी, इसका लोगों को व्यसन है, यह भी जग जाहिर है, सबको मालूम है। लोग काम पे भी उसका इस्तेमाल करते हैं, घर जाने के बाद में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर उसमें ही रहते हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि एक घर में लोग एक ही कमरे में बैठे रहते हैं और सबकी मुंडियाँ नीचे रहती है और अपने अपने मोबाइल पे लोग लगे रहते हैं। महानगरों में एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि 81% लोग 81% लोग निद्रा नाश से ग्रसित है स्मार्टफोन और टीवी के वजह से। 81% लोगों को निद्रा नाश है। 78% लोगों को हफ्ते में 1 से 3 दिन तक काम के ऊपर नींद आती है, इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब हफ्ते में 1 दिन से 3 दिन तक 78% लोगों को नींद नहीं होने से वो काम पे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो काम पर उनको नींद आती है और वो काम नहीं कर पाते। कम नींद से मन और शरीर के ऊपर परिणाम होते हैं। थकान आना, जल्दी थक जाना, लक्ष्य एकाग्र नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, उत्पादन क्षमता कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ऐसी चीज़ें ये लोगों में दिखाई देती है। 52% लोगों को पीठ दर्द की कंप्लेंट दिखाई दी। 52% लोगों को बिकॉज ऑफ लेस ऑफ स्लीप और मोबाइल और टीवी देख देख। यूजुअली 7 से 8 घंटे नींद हर एक को आवश्यक है, मगर स्मार्टफोन और टीवी की वजह से लोग 7 घंटे से कम नींद लेते हैं। ये सर्वेक्षण में ऐसा मालूम पड़ा कि 36% लोगों को 7 घंटे से कम नींद उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि वो लगे रहते हैं मोबाइल के ऊपर या टीवी के ऊपर। 90% लोगों को नींद में एक दो बार जाग आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो इन शॉर्ट क्या है कि मोबाइल, स्मार्टफोन और टीवी, और स्मार्टफोन के ऊपर यूट्यूब, इंटरनेट, फिर उसके ऊपर के गेम्स, मूवीज, फोन्स, टीवी की सब सीरियल्स, फेसबुक्स, मतलब इसके वजह से लोगों का नींद खराब होकर उनका मन और शरीर खराब होते जा रहा है। तो इसमें हमने देखना जरूरी है कि हम ये चीज़ों के एडिक्ट हो रहे क्या, और एडिक्शन मतलब लत लगना सबसे खतरनाक है, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। एक बार लत लग गई तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आजकल 7वीं 8वीं में बच्चे लोग हैं, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, उनको माँ बाप मोबाइल खरीद के देते, तब से वो मोबाइल पर रहते हैं और उनको लत लगी रहती है। मेरे पास में भी इतने बच्चे आ रहे हैं कि उनको मोबाइल एडिक्शन है और वो लिटरली झगड़े करते हैं बच्चे माँ बाप से कि मोबाइल तो होना ही होना है, लिटरल झगड़े, और दिया नहीं तो मारपीट करते रहते। तो माँ बाप मेरे पास में ऐसे कुछ आए कि भाई बच्चों के मारपीट से कैसे बचे, किसको बोले, बच्चा वायलेंट हो जाता है मोबाइल नहीं दिया तो, मारपीट करते रहता है, ना बाहर किसको बोल सकते हैं, ना पुलिस में जा सकते हैं, उसका इलाज कैसे करें। तो संतुलित जीवन रहने के लिए संतुलित नींद आवश्यक है, अच्छी नींद आवश्यक है, और उसके लिए कम से कम स्मार्टफोन और टीवी का वापर, उसका इस्तेमाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।